तो गई क्वालिफ़िकेशन की बात करें यहाँ जो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं साथ ही गैस आईटीआई कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट निकाली गई है गैस यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन में बी किया है या फिर बी किया है अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर कोई ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं गैस यहाँ पर वैकेंसी के साथ साथ देखिए जो हमारी ब्रांच है ब्रांच भी काफ़ी सारी रखी गई हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई का प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे अप्लाई करना है साथ ही कैसे यहाँ अगर आप सभी ने देखिए जैसे ब्रांच मैं आप लोग को काफ़ी बता देती हूँ बाकी आप लोग की और भी एलिजिबल है जैसे मैकेनिकल मैकेनिकल ब्रांच से मैकेनिकल प्रोडक्शन मैकेनिकल आर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ये एलिजिबल है आईटीआई आई टी आई की ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं फिटर वग़ैरह जैसे ड्राफ्टमैन हो गया या फिर अदर कोई भी ब्रांच फिटर वगैरह बहुत सारी ब्रांच दे रखी हैं ये ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आपने सिविल ब्रांच किया है ग्रेजुएशन और डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल किया है इन्वायरमेंटल से हैं केमिकल से हैं तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और भी गाइस यहाँ पर वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने का साथ में पूरी डिटेल जान लेते हैं अप्लाई के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कमेंट बॉक्स में से जाकर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दी गई है साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तो गैज जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वैकेंसी आ रही है लिंकड की तरफ से और लिंकड पर इनकी प्रोफाइल है टाटा ऑटो क्रॉप सिस्टम यहाँ आप लोगों की ये प्रोफाइल है साथ ही गए इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है देख सकते हैं ये हायरिंग की जा रही है यहाँ पर काइंडली आप लोगों को यहाँ रिज्यूम शेयर करना होगा और कैसे करना है क्या करना है इससे पहले क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे तो गैज इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से इस वैकेंसी को पूरा देख पाएंगे तो यहां पर देखिए हमने यहाँ पर जूम कर लिया है बाकी देखिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है गाइज यहाँ पर जो वैकेंसी है ऑटो मतलब टाटा ऑटो क्रॉप की तरफ से डिस्क्रिप्शन दिया गया है गुड आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में गाइज यहाँ पर मॉडल वगैरह के बारे में बताया गया है व्हीकल सेफ्टी आप लोग को आना चाहिए ये सभी आप लोग दिखाया गया थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा जूम करने की वजह से अगर आप लोगों को इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ से जाकर पढ़ लेना ओके, okay, अब यहां आप लोगों को जो एजुकेशन रखी गई है बीई बी टेक टेक्निकल ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन दोनों एलिजिबल हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल यहाँ पर आपका ब्रांच रखा गया है मैकेनिकल से रिलेवेंट जो भी ब्रांच है अप्लाई कर सकते हैं साथ ही यहाँ आप लोगों का जो स्किल अगर आपके पास यहाँ पर इनसे रिलेवेंट स्किल है ये स्किल सीख सकते हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं और गाइस ये स्किल हो स्किल नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं बट गाइस अगर होती है ना तो आप लोगों का एक प्लस पॉइंट हो जाता है स्किल होने पे अगर स्किल होती है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि गाइस यहाँ पर स्किल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पुणे आप लोग का जॉब लोकेशन रहेगा एक्सपीरियंस दो से छः साल तक का रखा गया है अप्लाई करने के लिए आपको ये जो ई मेल दी गई है इससे जाकर अप्लाई करना है बाकी जब आप लोगों को मैं यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में तो ये आप लोगों को ई मेल टाटा ऑटो क्रॉप की यहाँ से मिल जाएगी यहाँ से जाकर आप लोग को रिज्यूम प्लस यहाँ पर कवर लेटर सेंड करना है ये दोनों सेंड करने के बाद आप लोगों को वहाँ से आप लोगों को वेट करना है थोड़ा रिप्लाई का अगर आप लोग इसके लिए फुल एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट एचआर को मैसेज भी कर सकते

कंपनी से किस पोस्ट के लिए निकाली गई है तो जो भी स्टूडेंट तो अगर तो यहां तो तो सबसे पहले आप लोग बात करें तो अदर अदर पोजिशन के लिए निकाली गई है दहली लोकेशन रहेगी वाटर सप्लाई या फिर अलग अलग आप लोग का यहाँ पर प्रोजेक्ट रहने वाला है साथ ही गाइज देखिए मैकेनिकल मतलब आप लोग की जो पोस्ट है सीनियर इंजीनियर के लिए

अगर आपके पास तीन साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हैं मैनेजर के लिए यहाँ पर मार्केटिंग में निकाला गया बी ई बी टेक सिविल मैकेनिकल इन्वायरमेंटल और यहाँ का जो केमिकल ये इनसे यहाँ आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आप सभी को ई मेल पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना होगा साथ ही सी सेंड करना होगा और फोन नंबर दिया गया अगर आप इस वैकेंसी के लिए फुली एलिजिबल हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन्हें फुली एलिजिबल का मतलब है अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग इन्हें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट ओके रिप्लाई के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना दो तीन दिन तक का वेट कर लेना उसके बाद नहीं आता रिप्लाई तो, तो इंजीनियरिंग इंडिया ये भी लिंक पर ही इसका पेज है आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं जॉब लोकेशन आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर नोएडा रहने वाली है गाइस देखिए यहाँ आप सभी की जो हायरिंग की जा रही है वी आर हायरिंग बिजनेस सपोर्ट सपोर्ट नोएडा ऑफिस ऑल रहने वाला है एचआर रिक्यूटर फाइनेंस अकाउंटेंट ये अलग अलग आप लोगों की पोजीशन रहने वाली है इन सभी के लिए आप सभी को हायर किया जा रहा है वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वॉक इन इंटरव्यू 11 से 13 अक्टूबर तक रहने वाला है 9 बजे से 3 बजे तक कहाँ पर रहेगा ये देख सकते हैं सैमसंग इंजीनियरिंग इंडिया यहाँ आप लोग का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर एक मतलब एक सौ पर एक सौ बयालीस में आप लोग का सेक्टर रहने वाला है तो गाइस यहाँ पर आप सभी अगर इसके आसपास के लोकेशन से तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं साथ ही क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जैसे देखिए एचआर रिक्रूटर की जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा प्लस गुड एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ ही गाइस यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के लिए भी आप देख सकते हैं मेन पावर होनी चाहिए डिपार्टमेंट आप लोग का अच्छा होना चाहिए मैनेजर आप लोग का यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से दी गई हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और देखिए यहाँ फाइनेंस रिलेवेंट है तो आप लोग फाइनेंस रिलेवेंट कर सकते हैं और भी यहाँ पर दे रखिये अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग का जो रखा गया है एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पर अप्लाई कर सकते हैं आप ग्रेजुएशन में अगर आप टेक्निकल है बीई है बी टेक अप्लाई कर सकते हैं या फिर गए अगर आप पर जो दिया गया है ऑपरेटर मतलब एंट्री के लिए देखिए जो आप लोगों का दिया गया एफिसियंसी वगैरह सारी चीजें दी गई हैं अप्लाई करने के लिए इस ई मेल आई डी पर अपना रिज्यूम और कवर लेटर सेंड करना है तो इसी तरीके से आप लोग करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर आइकन जरूर दबा लें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन की गई है